और देखिए कल तबीयत खराब थे तब पर भी आज नहीं है मम्मी सब। आप लोग को बताए होंगे, अगर जो नहीं बताए होंगे तो आज बता देते हैं कि जो बच्चेदानी का ऑपरेशन हमारे दोस्तों आरती ने कराई बच्चेदानी का ऑपरेशन। और आरती ने कही कि हमारी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगा कि आखिर आरती ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाई है और आरती ने क्यों कही है कि हमारी जिंदगी में कभी खुशी लिखी नहीं है। वो सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में एक एक कर बताऊंगा, तो बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, आरती शुरू से ही काफी विवादों में घिरी हुई थी, लेकिन इसी बीच जो है आरती ने मन्नू से शादी किया और अब जो है आरती के जीवन में काफी भूचाल आ गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आरती ने अब बता दिया है कि उन्होंने अपने बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लिया है और आरती अब कभी मां नहीं बन सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि जब से छोटू इस दुनिया को छोड़ के गया है तब से आरती के जीवन में काफी उथल पुथल मचा है। पहले तो भगवान ने आरती से छोटू को छीन लिया, अब जो आरती जो कदम उठाई है उससे आरती अब कभी मां नहीं बन सकती है। दोस्तों जिस तरह आरती ने अपने बच्चेदानी का ऑपरेशन कराई है और इस वीडियो के माध्यम से जिस तरह आरती ने बताई है, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब आरती कभी मां नहीं बन सकती है। तो दोस्तों आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं आरती के बारे में, जो उन्होंने ये कदम उठाया है, ये किसी के कहने पे भी उठाया है या फिर अपने मन से ये कदम उठाई है, तो क्या कुछ कहना चाहते हो आप लोग आरती के बारे में, आप लोग हमें कमेंट करके सीधा सीधा बता सकते हैं। देखिए इसका शक्ल किस तरह हो गया है दोस्तों, देखिए दोस्तों इनका तबीयत खराब है, थोड़ा बुखार दुखार हो गए हैं और देख सकते हैं इसका फेस किस तरह हो गए हैं। सो इनको इनके लिए अभी खाना लेके आए हैं, बैगनी छोटी वाली बैगनी है और इधर आइए, ये देखिए ये बैगनी बना के लाई है, कितना छोटी है दोस्तों, कितना छोटी है और बना के दिया है ना, है रोटी बनाने जा रहे हैं नाना के लिए, सो देखिए भाग रही है। आप मान लीजिए दोस्तों आरती के सपने में आई आकांक्षा दुबे, इससे आरती बहुत डर गई, इतना डर गई कि आरती का तबीयत ही खराब हो गया। जी हाँ दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगा कि आखिर आरती के सपने में आकांक्षा दुबे कैसे आ गई और आरती के जब सपने में आकांक्षा दुबे आई तब आरती को आकांक्षा दुबे ने एक बहुत बड़ी बात कही है। वो सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में एक एक कर बताऊंगा, तो बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। जी हाँ दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं आकांक्षा दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे, वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल के सामने आ रही है कि आकांक्षा दुबे आरती के सपने में आई हुई थी और आरती इससे बहुत डर गई है और आरती को जो कुछ भी कहा है आकांक्षा दुबे ने सपने में आकर, वो सुनने के बाद आप भी काफी हैरान रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों कुछ बात ही ऐसी है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे कमरे में कोई लड़का पहले से ही छुपा था और इस घटना को अंजाम दिया है। तो क्या कहना चाहते हो दोस्तों, जिस तरह से आरती के सपने में आकांक्षा दुबे आई और आरती को ये बात कही है, तो इससे आप लोग कितने सहमत है आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज एक खुशखबरी दिखा रहे हैं कि जो कि बहुत दिन के बाद और बहुत कम ही मिला है। तो दोस्तों आरती और मन्नू रातों रात बना करोड़पति। जी हाँ दोस्तों आरती के घर फिर से आई बड़ी खुशियां। आखिर कहां से आरती और मन्नू को लगा एक करोड़ का बड़ा लॉटरी, सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी आरती के सबसे बड़े सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि आरती और मन्नू के घर एक करोड़ का बड़ा लॉटरी लगा है और कहीं ना कहीं ये एक करोड़ का बड़ा इनामी राशि जो कि कहीं से नहीं बल्कि ड्रीम इलेवन से मिला है दोस्तों, क्योंकि मन्नू जिस तरह से ड्रीम इलेवन खेल रहे थे आईपीएल के एक मैच में, इसे एक करोड़ का बड़ा लॉटरी मिला है जिससे सारा गाँव खुशी से पागल हो चुका है। वहीं मन्नू के माता पिता भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप इस वीडियो में किस तरह से इसके माता के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है क्योंकि ये एक करोड़ पे जीते हुए हैं। और ये एक करोड़ का स्क्रीनशॉट भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि कैसे मन्नू ने टीम बनाया ड्रीम इलेवन पर और एक करोड़ का बड़ा इनामी राशि जो कि जीत लिया है। जिस बात को लेकर आप पूरे
गांव वाले काफी खुश नजर आ रहे हैं। वही बता दूं आपको कि मन्नू ने खुद अपने ब्लॉग चैनल पे भी डाला है कि वो कैसे टीम बनाया और 1 करोड़ का बड़ा लॉटरी अपने हाथ लगाया है। तो दोस्तों आप गौर से देखिए ये किस तरह का टीम है। इस दोनों टीम के बीच जो मैच हुआ था जिसमें मन्नू को 1 करोड़ का बड़ा इनामी राशि यानी कि 1 करोड़ का लॉटरी लगा, जिस बात को लेकर मन्नू ने अपने ब्लॉग चैनल पर भी डाला है। तो दोस्तों अब ये राशि कितने दिनों में मन्नू को मिलता है, आरती को मिलता है, जिससे आरती और मन्नू इस पैसे से क्या सब लेंगे, ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आगे क्या सब होता है और कब इसे इतना पैसा मिलता है, सब कुछ मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा दोस्तों।